সেউজেরে ভরা এখনি পথার, সকুরে নমনি নে দেখা শিবা মরমে আবরা, হে আরে বাহার কত নু কবিতা লিখিছো তোমার। এসো মনে কুল কিনারে না হয় বেড়াতে, अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज के बारे में कुछ बात करेंगे। ये कॉलेज है और इसका लाइब्रेरी भी है, और ये कॉलेज का हॉस्पिटल का पुराना गेट था, ये नया वाला गेट बना चुका है, और ये मेन बिल्डिंग है हॉस्पिटल का। इसमें एक बहुत बड़ा गार्डन भी है जो मेडिसिनल प्लांट से भरपूर है। ये आसाम का अब गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज, और ये रजिस्ट्रेशन काउंटर ओपीडी का, इसमें बहुत सारा पेशेंट आते हैं। और ये है योगा रूम, ये भी बहुत अच्छा और क्लीन है। इसका एक प्लेग्राउंड भी है बहुत अच्छा, इंडोर गेम का भी बहुत अच्छा व्यवस्था है, और एक एटीएम भी है आप यूज़ कर सकते हो। इसमें हर साल 63 सीट होता है एडमिशन के लिए, नेट की थ्रू एडमिशन होता है, और बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ के बहुत अच्छा डॉक्टर भी बनते हैं। ये कुछ सीनियर्स का फुटेज है, तो जिसका भी है कॉपीराइट क्लेम मत देना। तो इस यहाँ पे कोरोना ड्यूटी भी होता है, और यहाँ पे बहुत बड़ा ऑडिटोरियम भी है, और ये कुछ ऑडिटोरियम का फंक्शन का फुटेज है। अभी कुछ मिथ के बारे में बात करेंगे। यहाँ आने से पहले मुझे भी लगता था ये एक आयुर्वेदिक मेडिसिन सिर्फ ये जो प्लांट है उसी से ट्रीटमेंट करते हैं, एक मोटर पिस्टल और कुछ प्लांट्स, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर सर्जरी भी होता है, यहाँ पे एक्स्ट्रा एक संस्कृत पढ़ना पड़ता है। ये कोर्स भी बहुत अच्छा है, और गवर्नमेंट जॉब के लिए तो ये हर साल गवर्नमेंट जॉब का चांस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ओनली 63 सीट है इन होल आसाम, तो जॉब का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है, MBBS से भी ज़्यादा। किसी का अगर आयुर्वेदिक में इंटरेस्ट है तो एडमिशन ले सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।